ओए बल्ले बल्ले, क्या सपना था ओए एकी। नोटों दी बारिश, पैसे की बरसात, यानी अमीरों के घर कोई खुशखबरी है। देखो सरदार जी, अपने यहाँ छोटा सरदार जी आने वाला सी। ओए खुश कर दीता, बल्ले बल्ले शाबा शाबा, मैं पीओ बनने वाला सी। सच, इनकी सुबह तो काफी सुहानी है। इस बीच गरीब फैमिली की सुबह इतनी बढ़िया नहीं होती। आयो स्वामी उठो। अब पगला गई हो क्या तुम? आयो स्वामी, हम प्रेग्नेंट है, हमारे घर छोटा बेबी आने वाला है। क्या बात कही दी दुल्हन, नन्हा बुतरू आएगा। देखते हैं दोनों फैमिलीज प्रेगनेंसीज को कैसे हैंडल करती हैं। हेलो डॉक्टर, क्या मदद कर सकता है? हमको अपना बेबी देखना जी। की कोरबे, तुमको पहले पैसा देना होगा। ठीक है, शायद यहाँ कुछ कॉइंस थे जी। ये लो, एक सिक्का मिला, और एक सिक्का, ये हुए दो सिक्के, ये ले लो। दो सिक्का, शॉप गड़बड़ है, इससे काम नहीं चलेगा। बेचारी क्लोई, लगता है उसने कान में भी पैसे छिपा रखे हैं। ये आम को दो, इससे आज की माँ छा जाएगा, और हमको और चाहिए। अयो, लगता है अब नाक में भी हाथ डालना ही पड़ेगा। रुको, अभी देती हूँ। नहीं नहीं, की कोरबो, रुक जाओ, हमको गंदगी सहन नहीं होता। जैसे तुम कहो। ओह, हमको अपना बेबी देखना डॉक्टर। तुमको अपना बेबी देखना है? रुको रुको, हम बताता है। अयो, हमको बहुत खुशी होता जी। हाँ, ये लो, ये तुम्हारा बच्चा, लो देखो और खुश हो जाओ। अयो, ये क्या? जितना पैसा दिया उतना ही मिलेगा ना देवी। चलो, कम से कम उसे ये तो पता है कि उसका बेबी हेल्दी है। प्रेग्नेंट औरतों के लिए जांच करवाना जरूरी होता है। हेलो, तुम कैसा है? ओ डॉक्टर बागची, मैंने डर लग रहा सी, अंदर कितनी गर्मी है। क्यों, तुम बिल्कुल मत घबराओ देवी, ये लो बर्फ, इससे तुम ठंडा हो जाएगा। वाहे गुरु, अब तो मैंने बहुत ठंड लग रही सी। चलो देखते हैं तुम्हारा बेबी कैसा है। अरे ये तो देखो, इतनी बर्फ से बेबी को ठंड लग रही है। उड़े बाबा, अब हम क्या करें? ये क्या है? अरे ये डॉक्टर लाइटर के साथ क्या कर रहा है? अरे नहीं, बेबी के आसपास आग लग गई है। ये सब की हो रही है सी डॉक्टर साहब? कुछ तो गड़बड़ है। अरे शेरा मदद करने के लिए आया है, और वो अपने साथ सोने की ईंट लाया है। वाओ, तुम्हें बस अमीर लड़की के पेट पर थोड़ा सा सोना रखना था। अब उसे काफी बेहतर लग रहा है, और देखो बेबी भी कितनी खुश है, वो तो सोने की बारिश में खेल रही है। शेरा ने वक्त पर पहुँच कर सब बचा लिया। प्रेगनेंसी में सोना भी काफी मुश्किल काम हो जाता है। आयो, हम सो नहीं पा रहा जी। आयो स्वामी उठो जी। हमें काहे उठाई दी? हमारे बेबी वो बहुत मस्ती करता जी, तुम जरा सुनने का कि अंदर क्या चल रहा। ओए इतनी आवाज कैसे? हम समझ गए, एक गिलास वा पेट के लिए और एक तुम्हारे लिए। लो अब तुम चैन से बैठकर बेबी की आवाज सुनो। ये क्या, बेबी तो किसी मेटल आर्टिस्ट की तरह चीख चिल्ला रही है, आखिर ये चाहती क्या है? पर क्लोई को इतना शोर शराबा बिल्कुल सहन नहीं हो रहा। हम अभी कचुकरत है। ये क्या, ठंडा ठंडा कूल कूल। आयो रामा, बचाओ एंथनी। और रुको, तुम ई पकड़ो दुल्हन, अब देखना हमारे बेबी एकदम फुलटू रिलैक्स हो जात रही। अरे वाह, बेबी तो सच में शांत हो गई। हमको बहुत ठंड लग रहा स्वामी। ये लो कंबल वा ओढ़ी लो। हाँ, अब बेबी बहुत खुश है, अब क्लोई आराम से सो सकती है। बेचारा एंथनी तो थकान के मारे ही सो गया। यहाँ मेडिसिन भी सोने की कोशिश कर रही है, पर लगता है बेबी बहुत लाते मार रही है। ओए भाग्यवान, ये कैसा शोर शराबा। सरदार जी चिल्लाओ मत, बेबी मस्ती कर रही है। ओए बल्ले बल्ले, बच्ची अंदर भांगड़ा पा रही है। अरे बहुत लग गई क्या? ओए मेरी आँख का कोयला बना दिया खोती ने। आखिर ये क्या कर रही थी? ओए बेबी तो सच में अंदर भांगड़ा पा रही है, उसकी अदाएं तो देखो। ओ ये सब कब खत्म होगा? रुको, एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया है मैनू। ये जोशुआ क्या करना चाहता है? ये अपने साथ कितने सारे सोने के बार्स लाया है, इससे अपनी कुड़ी एकदम शांत हो जाएगी। सरदार जी तुसी तो जीनियस हो जी। और देखो बेबी को नींद भी आने लगी, लगता है अब ये कुछ घंटे तो आराम से सोएगी, और पेरेंट्स को भी आराम करने का वक्त मिल जाएगा। ये सब क्या है, मैं हालत खराब कर देना है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हेलो, हाँ जी, मैंने अपनी बेबी के लिए स्पेशल शूज चाहिए अभी इसी वक्त। जल्दी आ जा दोस्त। और देखिए शू शॉप के मालिक आ गए। हम आपकी बेबी के लिए ये शूज दिखाना चाहेंगे, ये हमारे सबसे बढ़िया और महंगे शूज हैं। ओए नहीं जी, मेरी कुड़ी ये बेकार से जूते नहीं पहनेगी, कह दिया ना। एक अच्छा बढ़िया आइडिया है जी। चलो शेरा भैया थोड़ा पिघला कर सोना लेकर बेबी के शूज पर पोत देते हैं।
वाह वाह, अब ये लग रहा है ना एकदम शानदार और बढ़िया। और थोड़ी कसर बाकी रह गई थी, इसलिए ये जूतों पर हीरे भी चिपका रहे हैं। उम्मीद है कि अब मैडम को पसंद आएंगे ये। ओए, इतनी देर क्यों लगा दी खोतों ने? हीरे जड़े हुए सोने के जूते की बात है, शानदार है सच। ये जूते कुछ खास ही है। यहाँ गरीबों फैमिली चेक कर रही है कि इनके पास सब कुछ है कि नहीं। आयो पैंट्स है, बेबी के जूते है। नहीं जी, ओहो, लगता है बेबी शूज नहीं है। तुम फिक्र मत करो स्वामी, ये देखो आम को ये अच्छा लगा। $80? नहीं दुल्हन, हमरे पास इतना रुपया कहाँ बा। 100? नहीं बा। ये देखो ये $1 का जूता भाई, लाओ गुल्लक इधर दो, आज सारा पैसा खर्च कर देंगे। काफी मजा आएगा। आयो ये टूट गया जी, चलो हम पैसा गिनता। आयो 10, 20, आयो रामा पूरा $1 होना मांगता जी। अबे हट, एक सिक्का कम बा। बेचारी क्लोई बहुत ज्यादा दुखी लग रही है। एक ठो मिनट रुको, हमारे पास एक बढ़िया आइडिया बा। लो हम आ गए हैं, देखो हम काल आए हैं। ये क्या, कचरे की थैली से बने जूते? आयो ये कितना सुंदर दिखता जी। सच में जब आपके पास इतना जीनियस बिहारी हो तो पैसों की किसे जरूरत है। आज मेडिसिन की गोद भराई है पर उसके दोस्त कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुशी जाहिर कर रहे हैं। ओए कुड़ियों, मैनू अकेला छोड़ दो प्लीज। उनकी हरकतें मेडिसिन को पागल बना रही हैं। शेरा, इन झल्ली कुड़ियों का कुछ करो, इन्हें मेरे पेट से कहीं दूर ले जाओ। अभी लो मैम, ये काम तो बहुत आसान है, अपुन बस इनको नोट दिखाता है और काम हो गए लाए। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब अपुन के पास कोई चारा नहीं है। और शेरा वापस आ गया और वो भी एक गैस मास्क के साथ। ये क्या सी? अच्छा, अब शेरा इन चिपकू दोस्तों को हटा कर रहेगा। वो स्लीपिंग गैस ले आया है पर क्या ये काम करेगा? लगता है लड़कियों को नींद आ रही है। और काम बन गया, मान गए शेरा। क्लोई की भी गोद भराई चल रही है और उसकी दोस्तों को देखो, एक नंबर की चिपकू हैं ये भी। पर क्लोई के पास बढ़िया आइडिया है, वो खाने की फॉइल ले रही है। देखो उधर क्या है? अरे ये तो एंथनी है। और क्लोई फॉइल के साथ करने क्या वाली है? तुम ठीक तो हो एंथनी? शायद वो इतनी सारी औरतों का साथ सहन नहीं कर पाया और बक्से में छिप गया। और इधर क्लोई को तो देखो, इसने तो फॉइल से कीले बना ली हैं। अब बस इनको हम आग दिखाएगा और बन जाएगा। अरे संभल कर क्लोई। अरे वाह, उसने तो अपने पेट के लिए बहुत सारी कीले बना ली है। देखते हैं ये काम करेंगी कि नहीं। हम आ गए, पेट पर कीले। अब क्लोई कुछ देर शांति से बैठ सकती है। अब उसकी फ्रेंड्स फिर से उसका पेट छूने की कोशिश नहीं करेंगी। चलो पोड़ा पोड़ा। अमीर कुड़ी ने आज पार्टी रखी है पता लगाने के लिए कि लड़का होने वाला है कि लड़की। ये आ गया शेरा और उसके पास मेडिसिन के लिए खास तोहफा है। इससे पता लगेगा कि लड़का है कि लड़की। बल्ले बल्ले हो जाए। 1, 2, 3। कुछ भी नहीं हुआ, फिर से कोशिश करती हूँ। ठीक, 1, 2, 3। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, किसी को कुछ तो करना पड़ेगा। ओ सुन, अभी छोड़, अभी इसी वक्त। अरे वाह, राज जाहिर होने वाला है। छत से नोटों और रिबनों की बरसात हो रही है। ओए बल्ले बल्ले, मेरे नाल कुड़ी आने वाली सी, सुंदर अमीर कुड़ी। आयो रामा, कसरत कैसे करूँ मैं? ये रहा एंथनी, कोई खुशखबरी लाया क्या? इस खिलौने को तोड़ने से पता चलेगा कि हमारे घर में छोरा आएगा कि छोरी। अरे वाह, बहुत ही सुंदर स्वामी, हम अपनी आँख पर पट्टी बांध लेता है। ये हो गया, स्कार्फ की जगह बदबूदार मोजा। ठीक है, कम से कम आँखें तो बंद हो गयी। लाओ स्वामी हमको बैट देने का। ये लो। आज हम छोड़ेगा नहीं, एक बार भी दांव निशाने पर नहीं लगा। सच में मजा आ गया। संभल कर एंथनी, लगता है खिलौने को मारने से पहले क्लोई पूरे रूम को बर्बाद करके रहेगी। क्या हमारा निशाना सही लगा स्वामी? हमने मारा कि नहीं? हाँ क्लोई, तुमने खिलौने के अलावा सबको मार दिया है। आयो रामा, यहाँ कोई तूफान आया था क्या? ये क्या, गुलाबी पेपर? इसका मतलब हमारे यहाँ लड़की आने वाला है स्वामी। वाह वाह, कमरा कितना चकाचक हो गया जी। वाह दुल्हन, आज तो हमारा रूम वाकई चकाचक हुई गवा है। थैंक यू स्वामी। बाप रे, क्या झन्नाट बदबू आ रहा है।
अयो स्वामी क्या हुआ? ये बदबू तुमसे आवत रही दुल्हन। चलो तुम्हारे लिए नहाना बहुत जरूरी है। आओ इधर, चलो अंदर, आज तो तुम्हें रगड़ रगड़ कर नहलाएंगे। वाह, ऐसा शावर न देखा न सुना। बहुत ठंडा है ये स्वामी। यहाँ मकसद साफ होना है, चाहे तरीका कोई भी हो, बस कोई ऐसा होना चाहिए जो आपका ख्याल रखे। पेट भी साफ करते हैं। गुदगुली आ रही है। अरे वाह, क्लोई तो एकदम चकाचक हो गई है। बहुत बढ़िया एंथनी। वाओ, अमीर कुड़ी तो ऐसे खा रही है मानो आज तक खाने को मिला ही नहीं हो। लगता है मेडिसिन कई दिनों से नहाई नहीं है। ओ वाहे गुरु रहम, बदबू कैसी है। भाग्यवान ये तुम हो, चलो नहाने चलो। नहीं सरदार जी, मुझे बस लेट कर चिप्स खाना है, तुसे जाओ यहाँ से। ये इतना आसान नहीं होगा, पर जोशुआ के पास एक बढ़िया प्लान है, ये जरूर काम करेगा। सोना, जोशुआ सोने का लालच देकर अमीर कुड़ी को नहाने ले जा रहा है और वो भी पीछे पीछे आ रही है। ओ इत्या, ओ थोड़ा और करीब। ये क्या, तुसी मेरे को बेवकूफ नहीं बना सकते दार जी। ओ तू कित्थे जा रही है? अरे वाह सुनहरी गेंद। वाह इतने सारे बुलबुले, और बुलबुलों ने सबको ढक लिया है। लगता है मेडिसिन ने फैसला बदल लिया है। तो क्या रानी साहिबा टब में बैठकर आराम से नहाना चाहेंगी? मजा आ गया। शेरा जल्दी आओ। क्या हुआ मैडम जी? मैनू खाना ला के दे अभी। खाना? हो ये लो मेरे पास है, इसने कर से पगला गया है क्या? आलू का पराठा चाहिए था मैनू। अभी लाता हूँ मैडम जी। शेरा बहुत टेंशन में है, आलू का पराठा तो नहीं पर पिज्जा मिल गया है, ये चलेगा? इतना छोटा पिज्जा, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? कहा ना मैनू असली खाना ला के दे। ओ उफ, भूख में ये काफी डरावनी हो जाती है। बेचारा शेरा। आप कुछ टेस्टी सुशी खाएंगी मैडम? क्या कहा, सुशी? छी बिल्कुल नहीं चाहिए, इसे मेरे से दूर ले जाओ, अपना दिमाग यूज कर खोते। अच्छा तो आपको मीठा चाहिए, न्यूटेला और व्हिप्ड क्रीम चलेगा? ओ व्हिप्ड क्रीम। लगता है मेडिसिन को समझ आ गया है कि उसे क्या खाना है। वो सब कुछ मिक्स करेगी और उससे बनाएगी एक अजीबोगरीब पिज्जा। तो सबसे ऊपर बहुत सारी मलाई वाला क्रीम, चक दे फटे। ये हुआ ना पत्याला पिज्जा। मजा आ गया। हे भगवान बचाओ मुझे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे तू ठीक तो है शेरा? चलिए देखते हैं कि गरीब लड़की को प्रेगनेंसी में क्या खाने की इच्छा हो रही है। ये काफी अजीब चीजें हैं ना? आयो ये तो बीन्स है, इसे हम अपने दूध में डालेगा जी, और फिर थोड़ा न्यूटेला, और उसके बाद तीखा तीखा मिर्च का सॉस। वाह वाह अब इसे मिला लेता है। बहुत बढ़िया है पर कुछ कमी जरूर है। अरे हाँ मछली। दुल्हन हमार खाना क्यों छीन रही हो? एंथनी बबुआ तुम छोड़ ही दो, दुल्हन की भूख को काबू करना बहुत मुश्किल काम है। आयो ये तो इडली सांभर से भी अच्छा है जी। स्वामी तुम चक्कर देखो ना। ओ नहीं इसे मत लाओ, बचाओ।